लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केएम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने बात किया था ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के बारे में, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये सब हम लोग ने अच्छे से किया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की, ठीक है। तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही नीट में आ जाता है कि आपको कोई सल्फर के ऑक्सो एसिड दे देता है और वहां से पूछ लेगा, या तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिंपल सा पूछ लेता है, या फिर चार और फोर ऑप्शन दिया रहेगा, वहां से पूछ लेगा कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर ऑक्सो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग ने क्या देखा था, H2SO5, इसको क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड। इसके अलावा हमने पढ़ा था H2SO8, इसको बोलते हैं क्या, मार्शल एसिड। इसको बोलते हैं कैरोस एसिड। उसके बाद हम लोग ने ओलियम देखा था, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, H2SO7, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। इसके अलावा हम लोग ने देखा था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसके अलावा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था H2SO2, जिसको बोलते हैं हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो इतने एसिड हैं, इनका हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। इनका एक बार मैं नाम फिर से बता दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं कैरोस एसिड, ठीक है, कैरोस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसको मार्शल एसिड बोलते हैं, ठीक है, मार्शल एसिड बोलते हैं। इसको आप कॉमन नेम आपको पता ही है क्या है, ओलियम है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। फिर इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, इसको तो आप अच्छे से जानते हो, इसको बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और इसको क्या बोलते हैं, ये है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। आपको अच्छे से इनका नेम, स्ट्रक्चर सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए सबका, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +6 आएगा। इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा, +6 आएगा। इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसमें भी +6 आएगा। इसमें हमने निकाला था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर भी +6 आएगा। इसमें जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 6 होगा, और यहाँ से -2, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4 आएगा। और यहाँ पर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, कितना, 2 पे माइनस चल, -4, और यहाँ से +2, कितना आएगा, यहाँ से +2 आएगा। तो यहाँ से आपको अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना हो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो एक तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालना हो तो एक तो कॉन्सेप्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो चलो ठीक है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, H2SO2 का होगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद सेकेंड लोएस्ट कौन होगा, ये सल्फ्यूरस एसिड। अब बताओ 1, 2, 3, 4 है, 4 ऐसे हैं ऑक्सो एसिड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरह से करोगे। तो अभी तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका सबसे कम किसका होगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, मतलब सबसे कम किसका होगा, H2SO2 का। उसके बाद किसका ऑर्डर आएगा, यहाँ से सल्फ्यूरस एसिड का, H2SO3 का। अब उसके बाद किसका आएगा, इन चारों में लड़ाई है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इन चारों का, इन दोनों से तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा ही होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बाकी इन चारों में कैसे करोगे, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, इन चारों का, उन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वहां पे क्या देखोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सो एसिड ऐसे हैं सेम एलिमेंट के, सल्फर के सभी ऑक्सो एसिड हैं, तो वहां पर क्या देखोगे, जिस ऑक्सो एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में सबका सेम आ रहा है तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक
स्ट्रेंथ, ठीक है, एच डी स्ट्रेंथ, बस ये कॉन्सेप्ट लगा दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब जरा देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जितने ज्यादा होंगे वहां पर डीलोकलाइजेशन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो होगा डीलोकलाइजेशन आसानी से एच प्लस आयन दे के वहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देख लो, अगर ऑक्सो एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है तो वहां पर देख लो किस ऑक्सो एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। अब आसानी से देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें है 8, उसके बाद ओलियम में 7, और उसके बाद इसमें 5, और सबसे इन चारों में सबसे कम किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसमें 4 ही ऑक्सीजन है। इसके बाद कौन आएगा, H2SO4 आ जाएगा, उसके बाद कौन आएगा कैरोस एसिड होगा H2SO5 होगा, उसके बाद कौन होगा ओलियम, क्योंकि इसमें 7 H2O7, और सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा किसका होगा, मार्शल एसिड का H2O8 का होगा। तो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, ऑक्सो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ सेम आ रहा है किसी में, तो अब वहां तो क्या देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो आसानी से आप कॉन्सेप्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते, तो यहाँ से सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट के साथ न्यू लेक्चर में।